हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो पर स्वागत करते हैं। आज हम आए हुए हैं गांधी मैदान के पास, भामाशाह भोजन सेवा केंद्र पटना। इसका लोकेशन है गांधी मैदान, और इस अपोजिट देखेगा तो मोना सिनेमा के जस्ट अपोजिट में, या मैकडोनल्ड के, मोना सिनेमा मैकडोनल्ड के जस्ट अपोजिट में यह स्टोर लगा हुआ है। भोजन का केंद्र है, जो 15 रुपये में भर पेट आप खाना यहाँ खा सकते हैं। दाल, चावल, दाल, सब्जी, भुंजिया, अचार, पापड़, रोटी, ये सारा 15 रुपये में आपको मिलेगा भर पेट। तो इससे साथ आपको पटना में कहीं पर भी भोजन मिलेगा। तो अभी यहाँ पर से हम अंदर चलते हैं, क्या क्या खाना में है और कैसा टेस्ट है, जो हम आपको सारा चीज़ बताते हैं। तो आप वीडियो पर पूरे बने हुए रहिएगा। अब ये कीपे यहाँ से कूपन प्राप्त कर लें। तो 15 रुपये वाला कूपन कौन सा है अंकल? 15 रुपये वाला कौन सा कूपन है? ये ब्लू वाला 15 का है, और ये रेड वाला 15 का है। इसमें क्या मिलता है? इसमें रोटी मिलता है। अच्छा, इसमें रोटी मिलता है, इसमें चावल मिलता है। हाँ। और इसमें? इसमें पराठा मिलता है। इसमें पराठा है। और ये उजला वाला मुर्गा? मुर्गा है, मछली मछली है। और ये अंडा है। 15 के लिए तो ये 15 रुपये में चावल वाला भी है, 15 रुपये का रोटी वाला भी है। तो खाना है जो खा सकते हैं। 15 रुपये में भी रोटी भी है, 15 रुपये में चावल भी है। भैया चावल में सारा का कूपन बना हुआ है। तो इसका टाइमिंग क्या है? सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे रात तक। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे रात तक इसका टाइमिंग है। अब ये भोजनालय का मेनू है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, ये सारा का मेनू है। 15 रुपये प्लेट होता है। अब 15 रुपये का खाना देखिएगा। मंगलवार का मेनू में चावल, दाल, मटर पनीर, सब्जी और चोखा है। ये 15 रुपये में आपको खाना मिलेगा। तो ये हर एक दिन का मेनू है। सुबह 8 बजे से रात में 10 बजे तक खाना मिलता है। अब ये देख लीजिए कितना ज़्यादा कितना बड़ा कतार लगा हुआ है। ये मॉर्निंग से लेकर नाइट 10 बजे तक ये कतार लगा हुआ रहता है। इसी तरह से 15 रुपये में भोजन है। और इससे साथ पूरे पटना में आपको कहीं पर भी भोजन नहीं मिलेगा। तो अभी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं या खाना चाहते हैं, तो अगर आप 15 रुपये का भोजन ट्राई कर सकते हैं। ये कतार है लंबा हुआ, इनके पीछे हम हैं। आपको कैसा लगा होगा 15 रुपये में? ये आपने कितने रुपये में परचेज किए हैं? 15 रुपये में किए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है इसका कॉस्ट के हिसाब से, या खाना के टेस्ट के कैसा लग रहा है? अच्छा, वैल्यू है जो 15 रुपये में दिया जा रहा है, वो परचेज के हिसाब से आप खाना मांग लेते हैं। अच्छा, अच्छा, इतना अच्छा खाना नहीं मिलेगा 15 रुपये के हिसाब से। नॉर्मली फिट है। इसके लिए इसके अलावा मतलब अगर दूसरे जगह पर आप खाते हैं तो यहाँ के अकॉर्डिंग आपको नॉर्मली आपको ज़्यादा ही प्राइस लगता है, बट यहाँ पे अच्छा चीप एंड बेस्ट है। अच्छा है, 15 रुपये का प्लेट वाला खाना। अब यहाँ पर देखिए, ये पुरकिया है, चोखा है, और ये इसमें क्या है? सब्जी है, पनीर वाला आलू मटर पनीर का सब्जी है। और ये दाल है, और इधर चावल है, उधर सलाद का कटिंग हो रहा है। तो भैया एक प्लेट हमको भी दीजिएगा। अभी मेरा नहीं कर रहा है। अभी ये देखिए 15 रुपये का कितना ज़्यादा चावल है। ये बंदे के 15 रुपये में हमको लगता है इससे अच्छा पूरा पटना में आपको कहीं पर भी खाना नहीं मिलेगा। ये देखिए मटर पनीर का सब्जी है और चोखा है। आज मंगलवार का था तो इसमें चोखा है, और ये कुकिया है। हाँ, अब ये देखिए जी, ये 15 रुपये का थाली है, चावल, दाल और पनीर, चोखा और ये पुरकिया है। अभी आज मंगलवार था दिन, तो वहाँ पर मटर पनीर था, आलू का मटर पनीर आलू मिलाया हुआ है, और दाल चावल है, और चोखा है, और ये पुरकिया है। तो ये 15 रुपये का है। जब इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है ये। अभी ये 15 रुपये का खाना है, हमको लग रहा है पटना में सबसे सस्ता खाना है। पंद्रह रुपये के हिसाब से टेस्ट काफ़ी लगा हुआ है। इससे बेटर खाना पूरे पटना में 15 रुपये में नहीं मिलेगा आपको।
तो अभी आपको भी आकर ट्राई करना है तो मोना सिनेमा मैकडोनाल्ड के जस्ट अपोजिट में स्टोर लगा हुआ है, आप आकर यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल है, अच्छा वीडियो लगा, तो आप शेयर कर दीजिए अपना फ्रेंड सर्कल में। जो भी स्टूडेंट हैं जो एक बार यहाँ पर आकर सकते हैं, नज़दीक में रहते हैं, तो आप 15 रुपया देकर आप यहाँ पर एवरीडे खाना खा सकते हैं। हर एक दिन 7 दिन में 7 रंग का मेनू है। आज जो मिला है वो कल नहीं मिलेगा, कल बुधवार को कुछ और आएगा। आप यहाँ से हर एक दिन अलग अलग वैरायटी का आपको खाना मिलेगा। तो वीडियो वैल्यूएबल है तो शेयर कर दीजिए फ्रेंड सर्कल में। धन्यवाद।